गीता में बताया गया है कि कर्मयोग के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों में लिप्त रहकर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी आत्मा निर्भर रहती है। त्याग के माध्यम से भी व्यक्ति आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकता है। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को समझने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह आत्मा को स्वतंत्र बनाता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। गीता में भक्ति और समर्पण के माध्यम से भी आत्मनिर्भरता का महत्व बताया गया है। व्यक्ति को अपने परमात्मा में समर्पित करके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया गया है। कर्मयोग के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोगी को अपने कर्मों का फल सिर्फ ईश्वर के प्रति अर्पित करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा करनी चाहिए। कर्मयोग में कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को कर्मों के फलों से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। यह आत्मा को शुद्धि और मुक्ति की दिशा में ले जाता है। कर्मयोगी को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को उच्चतम स्थिति में ले जाने में मदद हो। स्वधर्म का पालन करते हुए भी कर्मयोगी को फलों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग में व्यक्ति को अपने कर्मों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। यह आत्मा को ईश्वर के साथ एकी भाव में ले जाता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। कर्मयोगी को ज्ञान का मार्ग भी अपनाना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से वह आत्मा की सच्चाई को समझता है और अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करने में सक्षम होता है। कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। कर्मयोगी को कर्म करने में अविचलित रहना चाहिए। कर्मयोग में यह सिद्धांत है कि कर्म करना अवश्यंभावी है, परंतु कर्मों के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह फलों से आत्मसमर्पण की भावना के साथ किया जाना चाहिए। कर्मयोग से आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया गया है। व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करने का अभ्यास करना चाहिए और फलों के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्मयोगी को समत्व भाव बनाए रखने का सुझाव दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह सुख और दुख, लाभ और हानि में समान भाव रखे। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म को निष्काम कर्म माना जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को कर्मों के फलों से निराश नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य संदेश है कि कर्मयोगी व्यक्ति को आत्मा के उच्चतम अद्वितीयता में स्थिति प्राप्त होती है, जिससे उसे आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। त्याग जो मुक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है। भगवान कृष्ण त्याग के माध्यम से सच्चे और आदर्श धर्म को समझाते हैं। त्याग का मतलब अपने कर्तव्यों को भले ही करना, लेकिन उसके फलों की आसक्ति से मुक्त होना। गीता में सप्त त्यागों का विवेचन किया गया है, जिनमें शरीर, मन, धन, विद्या, धर्म, सर्वंगत और आत्मनिवृत्ति शामिल है। त्याग का मतलब है कर्मों के फलों से आसक्ति छोड़ देना। गीता में यह बताया गया है कि व्यक्ति को त्याग कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे कर्मफलों की मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। गीता में त्याग करने वाले व्यक्ति को उच्च स्थान मिलता है और उसे आत्मा की पूर्णता की प्राप्ति होती है। त्याग में उदासीनता का भाव होता है,
जिससे व्यक्ति कर्मों में संलग्न रहते हुए भी उसके फलों में आसक्त नहीं होता। त्याग का उपाय। गीता में त्याग का उपाय आत्मा को भगवान के साथ एकी भाव में लाने का है, ताकि व्यक्ति कर्मों को निर्वाह करते हुए भी आत्मा में स्थित रहे।